संपादकीय राजस्थान पत्रिका, गति 70 शब्द प्रति मिनट, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। संकट में ही चरित्र की पहचान होती है, विराम। आपदा में समाज का असली रूप सामने आता है। कोरोना वायरस की महामारी का खतरा बढ़ते ही बहुत सारे व्यक्तियों का परोपकारी चेहरा सामने आया है। वे कमजोर वर्ग की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, विराम। कहीं लंगर चलाया जा रहा है तो कहीं मुफ्त में राशन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है। न सिर्फ गुरुद्वारों जैसे धार्मिक केंद्र बल्कि कस्बों, मोहल्लों और महानगरों की सोसाइटियों में बसे लोग भी अपने अपने तरीके से मदद की पेशकश कर रहे हैं, विराम। वहीं कुछ लोगों के खराब व्यवहार से मानवता शर्मसार भी हो रही है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह चेतावनी देनी पड़ी कि जो लोग डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्हें ऐसा कहने के लिए इसलिए बाध्य होना पड़ा कि डॉक्टरों और जरूरी सेवाओं में लोगों के साथ मकान मालिकों, पड़ोसियों और अन्य लोगों के खराब बर्ताव की लगातार शिकायतें मिल रही हैं, विराम। उन्हें मकान खाली करने, सोसाइटियों में आने जाने पर पाबंदी लगाने और यहाँ तक कि दुकानदारों द्वारा सामान बेचने से इनकार किया जा रहा है, विराम। महामारी फैलने की आशंका से ही लोगों का सामाजिक व्यवहार बदलने लगा है, यह चिंता की बात है। पूरी दुनिया जब महामारी से बाहर निकालने के लिए कृतज्ञता से डॉक्टरों का मुंह ताक रही है, हमारे बीच के ही कुछ लोग सामूहिक संवेदना को कलंकित करने में लगे हैं। डॉक्टरों को हमेशा ही भगवान का दूसरा रूप माना जाता रहा है। कई जान गंवाने के बावजूद दुनिया भर में स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पीड़ितों के इलाज में तैनात हैं। ऐसे परोपकारियों का आभार प्रकट करने के बदले सिर्फ अपने बारे में सोचते रहें तो हमें स्वयं को सभ्य और सुसंस्कृत समझने का कोई हक नहीं है। संभवतः
प्रधानमंत्री को यह आशंका रही होगी, इसलिए उन्होंने जनता कर्फ्यू लगाने का आह्वान करते हुए अपील भी की थी कि अपने अपने घरों की छतों या बालकनियों से बाहर निकलकर उन लोगों का आभार प्रकट करें जिनके कारण ज़्यादातर लोग सुरक्षित हैं। अब खराब बर्ताव की घटनाओं ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तालियों और थालियों की गूंज का संकेत आखिर कुछ लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आश्वस्त किया है कि सारे डॉक्टर सुरक्षा मानक अपना रहे हैं और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि हम जानते हैं कि हर बात सरकार ठीक नहीं कर सकती। बात जब सुसंस्कृत बर्ताव की हो तो समाज को ही आगे आना होगा। लोगों को संवेदनशील बनाने की जिम्मेदार पहल करनी होगी। हम सिर्फ इस बात से खुश नहीं हो सकते कि दुनिया में भारतीय संस्कृति ने अपना लोहा मनवा दिया और लोग हाथ मिलाने के बदले नमस्कार करने लगे हैं। हमारे पुरखों ने जरूर हमें अच्छे संस्कार दिए, पर हम आगे की पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? अंततः यही मायने रखेगा। भूखे शेर को अपने ही शावक को खाने से रोकने के लिए स्वयं शेर का शिकार बना देने वाले भिक्षु की कहानी से तो हम परिचित ही होंगे। हजारों साल पहले यदि हमारे मनीषियों ने ऐसी कल्पना भी की थी तो उसका उद्देश्य मनुष्य को जानवर से अलग बनाना ही रहा होगा। अब यह समय हमारे लिटमस टेस्ट का है। विराम।